राय सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए बेकार नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांडी सदा सदा के लिए जय जयकार। ये जो अनगिनत आप महापुरुषों की तादाद हमने हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में उपस्थित है, आपकी मौजूदगी है। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार घर परिवार से अवकाश लेकर आप यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो श्रीमान जी आप समस्त महापुरुषों का राज तो बनता है। जहाँ भी स्थान मिलता है तन में दांतविता से आसन ग्रहण करते हुए एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुनें। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक बात हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, जब आप यहाँ सत्य के साथ में पहुंचे हैं, पहले सत्य हम स्वयं को जानो। अगर आप संसार को जानते रहेंगे तो स्वयं को भूल जाएंगे, और जब स्वयं को आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, वो मेन बॉडी आई एम सोल, ईश्वर आत्मा सजीव अविनाशी, ये बात समझ में आ गई। ये कब परिपक्व रूप से समझ में आएगी, उसके लिए स्लोगन पहले ही उजागर किया जा चुका है, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानो मानो को गले लगाना, मानो मानो से प्रेम करना। आपने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, माँ के उदर से आपका जन्म हुआ, शिशु के रूप में आगे थोड़े पनपते गए बड़े, तो आपको सिखाया गया ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहने हैं, ये तुम्हारे चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी है, ये तुम्हारा फार्म हाउस है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारा मील है, ये तुम्हारा कारखाना है, और सिखा दिया तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण क्षति पे सूत्र हो। जब शेर को याद लिया मैं कौन हूं, तो फिर जो सीखा है धीरे धीरे खिसकता जाएगा, खिसकता जाएगा, और आप रूहानियत में कदम रख सकते हैं, इंसानियत को बरकरार रख सकते हैं, मानव मानव को गले लगा सकते हैं। क्यों? आप न हिंदू है, न मुस्लिम, सिख ईसाई है, न ब्राह्मण क्षत्रिय है, शूद्र है, इस शरीर को संबोधित किया गया है, और शरीर आप है नहीं, शरीर से प्राण वायु निकल जाती है, शरीर को शमशान में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं, फिर शरीर में कोई हलचल नहीं होती है। तो श्रीमान जी ध्यान रखो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा विश्वास पर समर्पण स्वयं के लिए करके देखो। जब आप स्वयं ही हाथ के सच्चे होंगे, लंगोट के पक्के होंगे, आप स्वयं ही विश्वास पात्र होंगे, वफादार होंगे, और स्वयं ही समर्पण होंगे, विश्वास वफादार बनेंगे, तो बाबूजी
इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से आपकी दशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी, आपके जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। आपके लिए फिर दुनिया में कोई बैरी नहीं होगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपकी निगाह में फिर कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, आपकी निगाह में कोई गरीब अमीर नहीं होगा, क्योंकि आपको जो सद्ज्ञान मिला है, ज्ञान तो दुनिया के पास है, आपको जो सद्ज्ञान मिला है, सद्ज्ञान के माध्यम से समझ में आया क्या कहते हैं, बिना गुरु के गति नहीं। आपके सम्मुख हमें घर का चौकीदार बनकर इतने वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, बदले में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हम कुछ लेते नहीं, कोई दान पात्र कभी नहीं लगता, किसी रूप में दूध दही घी खाना पीना गाय फूल कुछ लेते नहीं, हमारे जीवन यापन के लिए हमारे पास जमीन जायदाद है, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखें, लगभग 20 वर्ष सत्य के मार्ग पर हो गया, आज तक हमने ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है, ढकोसला नहीं किया है। आने वाले समस्त महापुरुष एक इंसानियत को लेकर आते हैं, एक मानवता को लेकर आते हैं, और अगर आप कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके आराध्य हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, हरि परमात्मा का ना आद है ना अंत है, न जन्मते हैं ना मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हरि परमात्मा ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आपको क्या चाहिए जीवन में, इतना भी नहीं समझ पाते हो तो बाबू जी दुनिया में कहीं जाओ, तमाम मंदिर है, तमाम गुरुद्वारे हैं, गिरजा करें, तमाम मिशन संस्था बंद है, वृंदावन जाओ, विश्वनाथ काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, मन चाहे जहां जाओ, मन चाहे ना जाओ, कि आध्यात्मिक मार्ग में दो ही बातें हैं, पहली बात है मनमुख, दूसरी बात है गुरुमुख। अगर आप मनमुखी है तो दुनिया में कहीं जाओ बाबूजी जीवन सफलता की तरफ प्राप्त नहीं होगा, और अगर आप गुरुमुख गुरु के मुख से जो निकला और सुना वो कर्म में ढाला तो बाबूजी आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके चाल चलन बदल जाएंगे, आपके परिवार में आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके जीवन में आनंद होगा, और खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अपने को धन्य महसूस करेंगे कि परमात्मा ने हमें नारी का जीवन दिया है, आज हमारा सद्ज्ञान प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया है, आपको जीवन जीने की कला प्राप्त हो जाती है। तो ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं, पूर्व में भी हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा न था न है न ही होगा, इतिमान मेरे लिए। समय मिला है, मौका मिला है, भक्त मिला है, इसके महत्व को समझने का प्रयास करो। और हकीकत तो ये है, आराध्य प्रभु परमात्मा नारायण हरि के अक्ष को, के प्रतिबिंब को अगर आप अपने नैनों में बसाएंगे तो हृदय से प्रीति की फुहारे निकलना शुरू हो। जिसने भी पाया है, जो भी परमात्मा को उपलब्ध हुआ है, वो परमात्मा की भक्ति और प्रीति से ही परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है,
अक्षर अर्पण चित्र मोय नरी भावा निर्मल मन मोय भावा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, चारा की चतुराई होशियारी ये सब दुनिया का मैटर है, दुनिया का विषय है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, भला आदमी कभी किसी पर उंगली नहीं उठाता है। सज्जन पुरुष कभी किसी के लिए दूषित मंतव्य विचार प्रकट नहीं करता है। वो स्वयं के जीवन को देखता है और जहां से आज्ञा मिली है प्रभु परमात्मा की, उसे आज्ञा कर सिरोधार कर जीवन व्यतीत करने लगता है। परिवार में रहकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए चलोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे मायनों में देखें, अभी आपने सुना, देखो सीधी सी बात है, तमाम मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ नानाथ जाओ, तमाम मंदिर है पूजा कर जाओ, जब तक आस्था श्रद्धा पक्की नहीं, एकीदा नहीं, तो बाबूजी समझ लीजिए आध्यात्मिक के नाते जमाने में जहां भी जाओगे आप, आपको ठोंक पाखंड डंबर अंधविश्वास से ही मुकाबला करना पड़ेगा। इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आज तक ढंग पाखंड आडम्बर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। और आप पहले से जानते हैं, हम उन्हें स्मरण कराते हैं, हम तो मात्र घर का चौकीदार बनकर आवाज देते आए हैं, जागो जागते रहो। हम ऊपर जो वस्त्र आप देखते हैं शुरू से अब तक, हम कोई साधु संत महात्मा तो भी नहीं, हम कोई बाबा वगैरह भी नहीं, कथावाचक भी नहीं, उपदेशक भी नहीं, हम कोई स्पीच नहीं देते। हरे परमात्मा आकार की रहमत है, रहमो कर्म है, जो आपके सम्मुख सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं, दो बोल आ जाते हैं, और आपके आने जाने से ही आपको लाभ होता है, हानि होती है, तो आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं, और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो संत मत भी कहता है, वेदों में शास्त्रों में पुराणों में भी आया, हमने सुना है, हिमाया मरी नमन मरी मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, वेद शास्त्र पुराणों में भी आया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए वाला बार। समझना चाहिए, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की रामायण मांगन लेख लिखा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, स्पष्ट कर दिया है। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर हो जाए भव से पारा। गहन कन्ना में कन्ना श्रीमान जी आपका धाम है, सुनोगे पियोगे मन मस्तिष्क में धारण करोगे कर्तव्य कर्म करोगे तो जीवन में निखार जरूर आएगा। आप समझ सकते हैं, आंख में कीचड़ है, नाक में नक्सीर है, मुंह में ककार है, अंदर मली ही मली है, समझ सकते हैं, फिर हम किस पर घमंड करते हैं, किस पर गुमान करते हैं। और बाबू जी जितना जो आपको सद्ज्ञान मिला है, झुके चलोगे तो प्राप्ति हो जाती है, और सतर होके चलते में टूटने के गिरने में देर नहीं लगती है। लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों को काम के नेता है, हमें तो जो मानवता से संबंधित शिक्षा मिली है, जो सद्ज्ञान पाया है, उसका अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, फालतू बातों में फंसने की जरूरत नहीं लगती। रहमो कर्म है, जो आपके सम्मुख सच्चाई के सत्य के दो शब्द आ जाते हैं, दो बोल आ जाते हैं, और आपके आने जाने से ही
आपको लाभ होता है हानि होती है तो आप ही जानते हैं, आप ही समझ सकते हैं और किसी से पूछने की जरूरत आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो संत मत भी कहता है, वेदों में शास्त्रों में पुराणों में भी आया, हमने सुना है, हिमाया मरी नमन मरी मर मर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। संत मत भी कहता है, वेद शास्त्र पुराणों में भी आया है, आए कई घाट से उतरे कई घाट अपने अपने कर्मों से हो गए वाला बार। समझना चाहिए, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसीलिए तो संत गोस्वामी तुलसीदास ने